हजारीबाग के कटकम सांडी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 19 जनवरी को कटकम सांडी में हुई एक मोबाइल दुकान में चोरी की घटना में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। चोरी के 28 मोबाइल व एक लैपटॉप भी बरामद किया गया। पुलिस को चोरी की घटना में एक बड़ी सफलता मिली है। दरअसल कटकम सांडी में ही 19 जनवरी को एक मोबाइल दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद पीड़ित दुकानदार के लिखित शिकायत के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए छानबीन किया, जिसके बाद 3 व्यक्ति को गुप्त सूचना के आधार पर पकड़ा गया। पकड़े गए तीनों आरोपी के पास जब तलाशी ली गई तो चोरी के 28 मोबाइल बरामद किए गए। वहीं एक क्लॉक लैपटॉप भी बरामद किया गया। इस घटना में मुख्य आरोपी नियाजुल भी गिरफ्तार किया गया है, जिसका पूर्व में भी कोई आपराधिक इतिहास रहा है। पुलिस हालांकि पकड़े गए तीनों आरोपी ने पुलिस को कई अन्य सुराग भी दिए हैं, जिस पर पुलिस अभी तफ्तीश कर रही है। कांड के अनुसंधान में हम लोगों ने एक छापामारी दल का गठन किया और कुछ निशानदेही पर हम लोगों ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया 6 फरवरी को, जिसमें मोहम्मद ताज, मोहम्मद चांद और नियाजुल हसन नाम के 3 व्यक्ति को हम लोगों ने गिरफ्तार किया। Every welcome you've never known. Welcome to a journey you've never imagined. Welcome to Arabia, Saudi. दो गड्ढों वाले शौचालय के बारे में सुना है? हाँ? नहीं सुना, आइए समझाते हैं। देखिए, दो गड्ढा बनाइए, पहले वाला जब मल से भर जाएगा ना तो ये चालू हो जाएगा और साल भर के अंदर इसके अंदर जो मल है ये खाद बन जाएगा, इसे खाली कर दीजिए। इसी तरह शौचालय जो है वो आजीवन चलता रहे, न बीमारी फैलेगी न बदबू। और पैसे? अरे वो सेप्टिक टैंक से कई गुना सस्ता। हाँ क्या समझे, शौचालय 2 गड्ढों वाला ही बनवा। We'll be right back.